अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आईसीओ रिव्यू के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। जनरली एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो मैं जनरली अपना ओपिनियन बताऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं तो आईसीओ काफी अच्छा है, आईसीओ रियल और अच्छे तरीके से वर्क कर। जैसे मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ, मैं उन्हीं आईसीओ पर फोकस करता हूँ जो कर रियल टाइम प्रोजेक्ट है। जानता हूँ कुछ आईसीओ मेरे साथ ऐसे हुए कि जो एक ही आईसीओ था लाइफ में जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, उसके बाद जितने भी आईसीओ थे वो अभी तक अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। बट टॉपिक पर जाने बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके सेव कर लीजिए, ताकि हम पास आपको डेली क्रिप्टो एनालिसिस रिलेटेड न्यूज, कॉइन एनालिसिस और साथ में आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जा रहा है, जो कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर आप वन बाय वन पूरा सीरीज देख सकते हो, जिसके अंदर आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जा रहा है, तो आप बेसिकली इसमें सीख सकते हो। और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज भी स्टार्ट किया जहां पर आपके ओर से कुछ कॉइन का नेम दिया जाता है, उस कॉइन के ऊपर एनालिसिस किया है। जैसे कल की वीडियो में, अभी मैं शाम तक वो वीडियो अपलोड कर दूंगा जहां पर आपको आपके कॉइन का एनालिसिस मिल जाएगा, तो आप कॉमेंट कर सकते हो। जो सिमिलर ज्यादा कॉमेंट्स रहेगा उसके अंदर आपको आपका कॉइन जो रहेगा एनालिस करते हुए मिल जाएगा, उसका क्या प्रोग्रेस होता है वो मिल सकता है। अभी डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे रोबोटिना आईसीओ के ऊपर, जो कि काफी अच्छा है। मैं आपको वन बाय वन स्टेपली एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली क्या आईसीओ किस चीज पर बेस है, आईसीओ क्या सेक्टर के लिए आया है, और जनरली टेक्नोलॉजी की बात करता हूं मैं अगर, तो आईसीओ काफी अच्छी टेक्नोलॉजी में वर्कआउट कर रहा है। तो फिलहाल डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक पर। ठीक है, पर हम अवेलेबल है रोबोटिना ICO.com के वेबसाइट के ऊपर। इसका सारा डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके वेबसाइट, इनका व्हाइट पेपर, इनका लाइट पेपर, इनका टेलीग्राम, इनके सभी सोशल अकाउंट, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी पर जाकर वन बाय वन प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हो। जनरली इनका जो आईसीओ प्री आईसीओ था वो खत्म हो चुका है और अभी आईसीओ स्टार्टअप होने वाला है। यहाँ पर आप जैसे दिख रहा है, आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, सेफ इलेक्ट्रिसिटी, सेफ मनी, सेफ प्लैनेट, अनरॉक्स टोकन। जनरली ये अब इतना आपको समझ में आ चुका है कि ये एनर्जी बेस्ड आईसीओ, यानी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस ये आईसीओ रन है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करता हूँ तो इंडस्ट्री में दो फेमस आईसीओ या टोकन्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। बात करता हूँ तो पावर लेजर है, वी पावर है। पावर लेजर की बात करो तो ये सक्सेसफुल कॉइन बन चुका है फिलहाल, तो काफी अच्छा प्रोग्रेस है। और वी पावर ने भी आईसीओ में एंड अप काफी अच्छा, काफी बेहतर, एक सक्सेसफुल जिसको कहते हैं उस तरह का उसने अपना मार्केट क्लोज किया है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं रोबोटिना की और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पावर लेजर और वी पावर के डिफरेंस क्या है, क्यों हम रोबोटिना को अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं या क्यों आने वाले टाइम के अंदर रोबोटिना ज्यादा फेमस या अच्छा वर्कआउट कर सकती है। पहले आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ ऊपर ऊपरी बात, क्या ऑलरेडी इनको टोकन इतने सेल आउट हो चुके हैं और नंबर ऑफ टोकन लेफ्ट इतने रह चुके हैं, तो यहाँ पर उनको ऑलरेडी प्री आईसीओ खत्म हो चुका है और फिलहाल जो आईसीओ वो 34 डेज के बाद स्टार्टअप होने वाला है, जिसके अंदर 5% एज वो बोनस देने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ गाइस पावर लेजर की, तो पावर लेजर बेसिकली जो कंसेप्ट या जो टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है वो हाउस होल्ड सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए वर्कआउट करता है, और वी पावर जो वर्क करता है ये दोनों, मतलब दो लोगों को कंबाइन करके वर्कआउट कर रहा है, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को लेकर वो वर्क कर रहे हैं। मतलब पावर लेजर अपने हाउस होल्ड सोसाइटी के लिए सोलर एनर्जी बेसिक उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और वी पावर थोड़ा डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। अगर मैं दोनों की बात बताऊं तो रोबोटिना ये दोनों को मिक्सअप करते हुए मार्केट में आया है। इवन इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में खुद को कंपेयर किया है पावर लेजर और वी पावर की ओर, जिसकी वजह से आपको भी समझ में आएंगे। मैं अभी ये बताऊंगा आगे आपको क्या आपको क्यों इतना डिफरेंस लग रहा है दोनों कंपनीज में। तो ये डायरेक्टली कॉम्पिटिशन में आ रहा है ये दोनों कंपनी के अगेंस्ट में। अगर मैं बात करता हूँ रोबोटिना की, ठीक है, रोबोटिना की मैं अगर बात करता हूँ तो आपको मैं डेटा यहाँ पर बता देता हूँ कि ये कंपनी कोई न्यू कंपनी नहीं है, ठीक है, ये काफी ओल्ड कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो रोबोटिना अकम्पलिश 50 एम्प्लॉयज, 25 कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स है, 6 ऑफिसेस है, 7 रजिस्टर्ड पेटेंट्स है। पेटेंट्स का अगर आपको पता नहीं तो आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, पेटेंट्स एक ऐसी चीज होती है जो कि रेंट पर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम है, मतलब मैं सपोज बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ तो मेरा सोशल, अगर मैं चाहूँ तो मेरा नाम देकर उससे इनकम ले सकता हूँ, जनरली गुडविल आपको पता है, तो सेम ऐसे पेटेंट्स भी वैसा ही होता है। 5 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स इनके पास, 2 रिसर्च डेवलपमेंट टीम है और ऑलमोस्ट 1 मिलियन कनेक्टेड पॉइंट्स अवेलेबल। यानी ये कंपनी कोई न्यू नहीं है, वेल स्टैब्लिश कंपनी है,
काफी सालों से ये कंपनी ऑलरेडी वर्क कर रही है। अगर मैं आपको बता दूं तो कंपनी 28 ईयर ओल्ड है। ओल्ड का मतलब उनके पास एक्सपीरियंस है गाइस। एक बार याद रहे, अगर मैं कोई चीज में इन्वॉल्व होता हूँ, ठीक है, मान के चल मैं कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ, स्टार्टअप में बहुत सी बार इंसान फेल होता है, वजह होती है उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है। बट अगर मैं यूट्यूब की बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अगर मैं फिर से सेकंड यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मुझे किस तरह कंटेंट ढूंढना है, किस तरह मुझे टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स ये सब उसमें सेटल करना है, या किस तरह मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढना है, तो ये मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं फटाफट अप कर सकता। लेकिन पहले जब मैं स्टार्टअप था तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, काफी बार मैंने शायद छोड़ने की कोशिश किया, बट मैंने कंटिन्यू किया, बट बहुत से लोग जो करते छोड़ देते। तो यही चीज, अगर आपको पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप इजीली उस इंडस्ट्री में और आगे बढ़ सकती हो। तो यहाँ पर इनके पास 28 ईयर का एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करता हूँ तो इनके काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। फोटोवोल्टिक पावर प्लांट ऑलमोस्ट 40 प्लांट उनके प्लांट इन्होंने लगाए हुए हैं, जिसमें से मतलब इनका यूरोप में 40 प्लांट है, इंडिया में 10 प्लांट है, जापान में 7 है, थाईलैंड में 2 है, और बाकी साउथ अफ्रीका और अदर कंट्री में अवेलेबल है। यानी अगर आपको पता नहीं है फोटोवोल्टिक पावर प्लांट किसको कहते हैं, जनरली वो सोलर एनर्जी का सिस्टम आपने सुना होगा, काफी बड़े सोलर एनर्जी सिस्टम लगाते हैं जहाँ पर सन की मदद से एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उसको कंपनीज या घरों के लिए सेल करते हैं। तो ये इनके काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि 28 साल पुरानी कंपनी, तो उसमें कोई नवा जैसा कुछ नहीं है। अगर मैं रोबोटिना की प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो जनरली ये दो बेस पे इनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज सेल आउट होता है, क्योंकि जनरली आपको बता दूं कंपनी 28 ईयर ओल्ड से तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या उसको सेल आउट करने की बात, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, लेकिन वो आगे करना चाह रहे, ये स्मार्ट होम बना रहे, स्मार्ट होम एनर्जी प्रोवाइड करना चाह रहे, एनर्जी कंजम्पशन करना चाह रहे। जनरली एक चीज याद रखिए, सोलर एनर्जी जो भी चीज पर बेस कर रहा है, अगर मैं पावर लेजर की बात करूं तो पावर लेजर जो कंसेप्ट है तो जनरली वो सोलर एनर्जी के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। सोलर एनर्जी मतलब सनरेज से वो कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और जितने भी घर से वो उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आता है गाइस, एक चीज है, आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा क्वांटिटी में इजीली बना सकते हो, लेकिन फर्क ये होता है कि आपको स्टोरेज के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है। यानी जो आपको एनर्जी सपोज मान के चलिए, और देखिए सोलर एनर्जी का सिस्टम क्या होता है, अगर सनरेज अच्छे खासी हो तो अच्छी खासी एनर्जी बनेगी, अगर सनराइज नहीं, जैसे बारिश का सीजन होता है तो ऐसे टाइम पर सनराइज ज्यादा नहीं होते, सूरज ज्यादा नहीं निकलता है, तो उस टाइम तो मुश्किल है कि आपको अच्छा खासा सनराइज मिले और उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। अब जो नॉर्मल चीज है, जैसे गर्मी के दिन है तो उस टाइम आप काफी ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी जनरेट कर सकते हो, लेकिन मान के चलिए अगर एनर्जी कहीं और स्पेंड नहीं हो रही है तो उसको स्टोरेज करने के लिए काफी ज्यादा आपको कॉस्टिंग आता है। यानी उसको जो बैटरीज होती है, जनरली स्टोरेज करने को बैटरीज चाहिए, तो काफी बड़े बड़े क्वांटिटीज में बैटरीज लगाना जो कि काफी कॉस्टली जाता है जनरली पावर स्टेशन के लिए। तो पावर लेजर ने वही यहाँ पर किया था, अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रहा है तो उसको आप इजिली सेल आउट कर सकते हो, और बाद में उसको फिर परचेज करने के लिए वही जो आपको टोकन मिलेंगे पावर लेजर, आप वही टोकन से उसको बाय कर सकते हो। यानी अगर आपके मेरे घर पर अगर वो सोलर लगाया हुआ है सोलर एनर्जी, तो मेरे पास अगर थोड़ी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो मैं उसको डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ कंपनी को, या डायरेक्टली जो इनके पर्टिकुलर सोलर इनके जो सिस्टम होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं बिजली का जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ, उसके आगे से मुझे वो टोकन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो चुका है। लेकिन यहाँ पर रोबोटिना में इन्होंने एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज किया, जिसकी मदद से वो एक आर्टिफिशियल, अगर मैं आपको बात बताऊँ आगे यहाँ पर लेके जाता हूँ डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट बताऊंगा ताकि आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाए कि पावर लेजर और रोबोटिना या वी पावर में क्या फर्क आ रहा है। अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो रोबोटिना ऑलमोस्ट 1990 से, पावर लेजर 2016 से है, और वी पावर तो 2017 से आया है। इनके पास अपना ओन कैपिटल है, ठीक है। एक आईसीओ रन किया जाता है स्टार्टअप के लिए, पैसा नहीं है स्टार्टअप करने के लिए, कैपिटल नहीं है, कैपिटल चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एस्टैब्लिश कंपनी ऑलरेडी 1990 से चल रही, तो ऑब्वियसली बात है इतने सालों से चल रही है तो कुछ ना कुछ कैपिटल रिजर्व करके रखें, उनके पास पैसा ऑलरेडी है। ये क्यों आ रही है ब्लॉकचेन में, कि उनको और स्मार्टली करना है। यानी आपको ऑलरेडी पता है ब्लॉकचेन एक जिस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ये और स्मार्ट तरीके से अपने बिजनेस को राउंड अप करना चाह रहे, बढ़ाना चाह रहे और अच्छे से एक्सपांड करना चाह रहे। तो इनके पास अपना ओन कैपिटल है, पावर के पास कोई ओन कैपिटल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब टोकन बाय किए हुए तो उनका इन्वेस्टर का कैपिटल है। कोर बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पर ऑटोमेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जा रहा है, यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाएगा एनर्जी सिस्टम्स को, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। पावर एनर्जी की बात करो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और बी पावर की बात करो तो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के ऊपर है।
मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यस, इनके पास अपना प्रोडक्ट्स है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये मैन्युफैक्चर खुद करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खुद बना रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं। वी पावर या पॉलिजी की बात करें तो ऐसा नहीं है, एग्जिस्टिंग एक्टिविटी की उनके पास है, यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट अभी आपको दिखा रहा है। प्रोजेक्ट कंसेप्ट है ये आपको व्हाइट पेपर पर डिटेल में समझ में आ जाएगा कि IoT सॉल्यूशन टू कंट्रोल क्या है, मैनेज एंड रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट क्या है, एनर्जी ट्रेड एंड सर्विसेज क्या है। जनरली ये एक काफी अच्छा कंसेप्ट जिसकी मदद से आप एनर्जी सेव कर सकते हो और अगर आपके पास अगर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो उसको आप सोल्ड भी कर सकते हो इन द टोकन, उसके मतलब उनके टोकन आपको दिया जाएंगे, फिर उसको एक्सचेंज पे सेल करो या जो भी करना उसको आप कर सकती हो। टेक्नोलॉजी की बात करो तो यहाँ पर तीन टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये काफी अच्छा कंसेप्ट है, इनके पास दो एक्स्ट्रा है, ये दोनों सिर्फ ब्लॉकचेन पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं तो अगर आपको नहीं पता तो नीचे ऊपर आई बटन है, ब्लॉकचेन एक्जैक्टली क्या वर्क करता है आपको वहां पर पता चल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर एक वर्कआउट कर रहे हैं जो कि स्मार्ट होम बनाएंगे। स्मार्ट होम का मतलब ये रहेगा कि वहाँ पर वो स्मार्ट होम जनरली क्या होता है, ठीक है, आज मैं अभी कोई रूम में बैठा हूँ तो यहाँ पर लाइट्स चालू है, फैन चालू है, अभी तो बंद है फिलहाल, बट फैन वो चालू रहता है, अगर बाई चांस मैं घर से निकल जाऊँ तो वो वैसे ही चालू रहेगा और बेफालतू का इलेक्ट्रिसिटी मेरा कंज्यूम होगा, मुझे बिल ज्यादा आएगा या जो भी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन जो स्मार्ट होम बनाएंगे उसमें इस तरह नहीं होने वाला है, उसमें वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से अगर मान के चलो मैं इस रूम में बैठा हूँ तो ही यहाँ के लाइट और फैन एक्टिव रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे और आर्टिफिशियल एजेंसी रहेंगे उसकी मदद से पता चलेगा। प्लस देखिए एक चीज याद रखिए, एनर्जी कंज्यूम जब भी हम जो भी पावर स्टेशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है, अब जितने भी एरिया या पर्टिकुलर जो एरिया ही बोलेंगे जहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं लोगों को, मान के चलिए मेरा घर है और मुझे पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, समटाइम हो रहा है कि मैं कुछ ज्यादा यूज कर दे रहा हूँ, समटाइम हो रहा है कि मैं कुछ काफी कम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पावर स्टेशन में मेन चीज होता है स्टोरेज प्रॉब्लम है, स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है इन लोगों को, तो इसलिए वो चाहता है कि हम लिमिटेड ही बनाए, लिमिटेड एक्सपांड करें और हमारे पास कोई स्टोरेज ना करना पड़े, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही जाए, जितनी नहीं है तो बनाए भी ना, क्योंकि फालतू में एक तो वेस्टेज होगा और वेस्टेज नहीं होगा तो फिर ये स्टोरेज करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको देना पड़ेगा, यानी इनका जो रियल टाइम प्रॉफिट होता है अगर उसमें से प्रॉफिट कम होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि स्टोरेज उनको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम बन रही है काफी, अब कुछ घरों में काफी ज्यादा यूज हो रहा है कुछ घरों में नहीं हो रहा है, तो उस टाइम को जो बच रहा है वो तो वेस्टेज हो रहा है और कुछ टाइम में ज्यादा यूज हो रहा है तो फिर कम पड़ रही है, तो फिर उनको फिर से कुछ ना कुछ करके इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनाना पड़ रहा है। तो ये चीज की बदौलत जिनसे ये पता चलेंगे कि मान के चलेंगे जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोडक्ट्स रहेंगे ये आपके घर पर लगा के देंगे जिसकी मदद से ये आपके ऑटोमेटिक सिस्टम वर्कआउट करेंगे, यानी अगर आप जो रूम में अवेलेबल हो तो उसका लाइट चालू रहेगा तो इंस्टेंट उनकी जो पावर सिस्टम है वहां पर इंडिकेशन देंगे कि पर्टिकुलर घर में अभी ये सिस्टम चालू है तो अभी ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे वो सब कैलकुलेट करके उसको बताएगा, ताकि जो इनका सिस्टम है जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो उसके हिसाब से जनरेट करके अभी कितना लगने वाला है वो हिसाब से जनरेट करें, एक्स्ट्रा जनरेट ना करें। और मान के चलिए अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैंने सब मेरा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बंद रहेगा तो मेरा जो भी लाइट मतलब उस टाइम को इलेक्ट्रिसिटी बचेगा तो उसको कंसम्पशन दे देंगे कि आप अभी फिलहाल एक दिन ये ऑलरेडी बंद है एक दिन से तो इतना इलेक्ट्रिसिटी अभी आप कम प्रोड्यूस करो, अभी ये चीज़ बन है तो इतना अभी कम प्रोड्यूस करो, बोलेंगे मतलब ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं स्टोरेज कॉस्टिंग को डिक्रीज करने के लिए ला रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो प्रॉफिट होता है इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी हो रहा है जो कंपनीज की बात करते हो तो, लेकिन उनका जो ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है वो मशीनरी खरीदने में हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी वो स्टोर करके रख रहे बाद में रिड्यूस कर रहे यूज कर रहे तो उसके लिए हो रहा है, तो इसके लिए वो चाहते हैं क्या वो ना हो, इसके लिए वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करें, बल्कि पावर लेजर और वी पावर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, तो ऑब्वियसली बात है 28 ईयर ओल्ड कंपनी तो कुछ ना कुछ खास लाएंगी। पेटेंट्स की बात कर रहे तो इनके पास अपना खुद का पेटेंट्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हम देख चुके हैं, वेयर इट इज, पेटेंट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो 7 पेटेंट रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, वो अपने नाम पर ही पैसा बना रहे हैं यानी गुडविल पर पैसा गेन कर रहे हैं। वी पावर या पावर लेजर के पास वो चीज नहीं है, और भी यहाँ पर दूसरी चीज भी अवेलेबल है, यहाँ पर CEO बैकग्राउंड आप देख सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, मतलब ऑलरेडी 28 ईयर से उसी फील्ड में, ऑब्वियसली बात है नॉलेज काफी ज्यादा है तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, और भी डिटेल यहाँ पर पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, सब डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि आप काफी बारीकी से देख सकते हैं। इवन 2013 में इन्होंने जापान में काफी बड़ा फोटोवोल्टिक पावर प्लांट यहाँ पर बनाया है और काफी अच्छे तरीके से वो वर्कर ऑलमोस्ट 2013 से, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, यहाँ पर आपकी दे सकती है इनके CEO इनके टीम के बारे में, आप एक बार वन बाय वन इनके लिंक्डइन अकाउंट पर जाकर देख सकते हो ताकि आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाए कि ये जो वर्कआउट कर रहे हैं क्या वर्क कर रहा है। अगर मैं ICO लिस्टिंग की बात करूँ तो काफी बड़े बड़े ICO लिस्टेड के ऊपर इनका ऑलरेडी लिस्टेड है। मीडिया पार्टनर की बात करूँ तो न्यूज़ BTC, CCN और कॉइन स्पीकर, द बिटकॉइन न्यूज़, काफी बड़े बड़े हैं
जो कि इनके अंडर मतलब इन्होंने के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, मीडिया पार्टनर के अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये भी इसका लिंक आपको मैं दे दूंगा जहां पर वो बता रहे हैं कि एग्जैक्टली जब से कंपनी स्टार्टअप हुआ पहले वो बिजनेस टू बिजनेस सर्विस दे रहे थे, उसके बाद किस तरह उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया, क्या क्या फोकस कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से और एनुअल टाइम पीरियड के अंदर आपको इसमें क्या क्या दिख सकते हैं, ये पूरा डिटेल आपको इसमें अवेलेबल है, तो आप पूरा देख सकते हो। अभी हम डायरेक्टली अगर बात करते हैं टोकन्स की या आईसीओ के बारे में, तो आईसीओ के आपको मैं बता दूं जनरली यहाँ पर के आईसीओ जनरली जो स्टार्टअप होने वाला है 22 डेज के बाद होने वाला है। $1 के अंदर आपको 19 रॉक्स टोकन मिलेंगे, इनका टोकन नेम है। क्राउडसेल की बात करते हैं तो 70% आईसीओ सपोर्टर्स को जाएंगे, 10% टीम मेंबर्स को जाएगा, एडवाइजरी को, और 7% मार्केटिंग एंड प्रमोशन को जाएगा, 5% एंजल इन्वेस्टर को जाएगा, और बाकी का बाउंटिंग फंडिंग ये वो इसको अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्री आईसीओ ऑलरेडी खत्म हो चुका है इनका, रॉक्स टोकन इनका सिंबल है। टोकन जो बेस है वो स्टैंडर्ड ERC20 टोकन के ऊपर बेस्ड है। सॉफ्ट कैप की बात करें तो $10 मिलियन को चाहिए, हार्ड कैप है $28 मिलियन चाहिए। टोटल सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 8 करोड़ है, ज्यादा है पर ठीक है, जो वर्कआउट है काफी ठीक है पर काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं क्योंकि इनका जो क्या बोलिए वर्क है वो काफी ह्यूज क्वांटिटी में काफी टोकन होल्ड हो सकते हैं इस चीज में, तो कोई उसमें वाली बात नहीं है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन आप 0.5 ETS से कर सकते हैं, उन्होंने छोटा मोटा नहीं रखा, इससे पता चलता है कंपनी स्टैंडर्ड है, तो $100 $150 से जनरली आईसीओ सेल होते हैं, यहाँ पर मिनिमम है 0.50 ETS से ही आप इसको बाय कर सकते हो। टोकन यूसेज के यहाँ पर उन्होंने पूरा आपको डिटेल बताया हुआ है, यहाँ पर रोडमैप 2020 तक उन्होंने अपडेट करके रखा, जिसको आप 1/1 क्वार्टर वाइज के हिसाब से देख सकते हो कि क्या हिसाब से ये वर्कआउट करने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कंपनी के बारे में, ये वहाँ पर आपको वही चीज़ दिया है। ये काफ़ी अच्छी वीडियो है, इंट्रोडक्शन है, उनके ही टीम मेंबर ने कुछ बताया है रोबोटिना के बारे में, तो एक बार हम ये प्ले कर देते हैं। ज़्यादा टाइम ले रहा है As a society, we have an energy problem. Our distribution system is inefficient and expensive. Today, power providers predict our electricity needs. The problem is that our needs change all the time. So, when we make too much energy, it's very expensive to store it. जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पावर स्टेशन जो एनर्जी बनाते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम यही होता है ना, अगर ज्यादा एनर्जी बना ले तो उसको स्टोर करने के लिए काफी खर्च ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए वो नहीं चाहते क्योंकि जो प्रॉफिट गेन हो रहा है उसमें नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। लोअर आवर बिल्स बाय आइदर इन्वेस्टिंग इन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और टर्निंग देम ऑफ इन टाइम्स ऑफ हायर रेट्स, फॉर एग्जांपल स्विचिंग ऑफ द बॉयलर ड्यूरिंग द डे, इट्स एन इम्प्रैक्टिकल सिस्टम, दैट्स व्हाई वी डेवलप्ड अ सॉल्यूशन दैट डज इट ऑटोमेटिकली। Robotina ICO is a smart technology platform that manages all your electricity. It saves you up to 1/3 of costs, creates less energy waste, and even makes you money. It's all made possible by the home energy management system. The device tracks. ये आपके खुद ये आपने खुद के ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बना रहा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है टेक्नोलॉजी का, तो खुद ही इसको बना रहे हैं, आउटसोर्स नहीं कर, जिसकी वजह से काफी सेविंग भी हो रहा है, प्लस इनके प्रोडक्ट्स लोग परचेज कर रहे हैं, कंपनीज बाय कर रहे हैं, स्मार्ट होम्स के लिए यूज किया जा रहा है, तो इनका अलग से इनकम भी जनरेट, मतलब टोकन को हर तरीके से अपना सपोर्ट मिल रहा है। इंडिविजुअल अप्लायंसेस क्योंकि इनको अगर बाय करना है तो जनरली और से मतलब टोकन्स इनके टोकन से भी परचेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फिएट करेंसी से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद इनके खुद के टोकन से कोई बाय करेंगे तो इसके ऊपर वो उनको कुछ डिस्काउंट या कुछ कम प्राइस में दे रहे, तो काफी अच्छी बात है, मतलब टोकन होल्डिंग बढ़ सकती है इस चीज में। And sends the data to Robotina ICO platform by using artificial intelligence, machine learning, weather forecast and energy price data, we predict your energy behavior and optimize the consumption. We already installed more than 1 million connected devices all over the world. They're controlling a variety of sophisticated systems. The ability to remotely manage your energy consumption brings new opportunities to the electricity market. For example, a large community of users can carry out a group purchase. The sheer number ensures stronger negotiating position with energy providers. When the prices rise in the time of shortage, the platform can sell the surplus of energy back to the grid. The surplus is generated by users automatically turning off the non-essential appliances for a short period of time. Providers cannot predict your future electricity needs, but we can.
यूजर्स। जनरली जो होता है जो क्या बोलते हैं लोड शेडिंग जो चलती है, इंडिया की बात कर रही है, हमारे कोई पर्टिकुलर एरिया की बात करो, तो वहाँ पर लोड शेडिंग क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो जो जनरली अदर डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि जो क्या बोलेंगे स्मार्ट सिटीज होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लग रही है। क्यों? आजकल एसी यूज किया जा रहा है, ग्रीजर यूज किया जा रहा है, रेफ्रिजरेटर यूज किया जा रहा है, वॉशिंग मशीन यूज किया जा रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लग रही है। और जो पावर स्टेशन है उनको नहीं पता कि कौन सी एरिया में कितनी अभी ज्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि हमारे मेरे घर में क्या यूज है उनको नहीं पता है। तो इसके लिए जो ऐसे जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम दे रहे हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग स्टार्टअप कर देते हैं। तो ये वही करेगा, इनके टेक्नोलॉजी की मदद से उनको पता चल जाएगा क्या पर्टिकुलर कहाँ पर ज्यादा लगने वाला है, कहाँ पर कम लगने वाला है। तो जो लोड शेडिंग का झंझट है वो भी यहाँ पर दूर हो सकता है। मतलब अगर मेजर ज्यादा लग रहा है तो उनका जो सिस्टम रहेगा वो ज्यादा जनरेट करेगा, वहां पर ज्यादा देगा, जहां पर कम लग रहा है वहां कम देगा। तो ये इनके सॉफ्टवेयर, ये इनके टेक्नोलॉजी की वजह से इनको पता चल जाएगा। तो यही ये बताना चाह रहे हैं। Can sell the data gathered from the network to help providers plan their production. It is always hard to find financing. Users can crowdfund equipment for larger facilities. In return, they are rewarded with lower costs and with a growing investment. Our marketplace enables users to connect and to deploy new innovative business models. All of this is made possible by trading with the application-specific token ROX. ROX is the cornerstone of the Robotina platform. It's built upon the Ethereum blockchain, supported by the demand from the platform marketplace, and it gives the value of the cooperative network. देखिए एक चीज होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर हमारा क्रिप्टोकरेंसी भी वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। अब मान के चलें इनका 28 साल पुराना बिजनेस है, इनके ऑलरेडी काफी ज्यादा क्लाइंट्स हैं, उनसे क्लाइंट को ये सब चीजें ऑफर करने वाले हैं। क्लाइंट अगर डिस्काउंट देते, बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें, पर मैं छोटे मोटे घर की बात नहीं करो, बड़ी कंपनी की बात करो, तो वो टोकन्स बाय करेंगे, यानी जो मार्केट में टोकन्स है वो होल्ड जाएंगे पर्टिकुलर कंपनी से या किसी रीजन के पास, तो वहां पर होल्ड जाएंगे, वो उससे बाय करेंगे, उन्हीं के पास टोकन रोटेशन रहेगा, तो जो टोटल मार्केट में टोकन्स रहेंगे वो कम पड़ेंगे, तो उससे प्राइस बढ़ने का चांसेस काफी ज्यादा है। अब बड़ी बड़ी कंपनी है तो ह्यूज क्वांटिटी में बाय करके रख सकती है, तो जो जहाँ तक सवाल था टोटल सप्लाई का काफी ज्यादा है, तो इस तरह कहीं ना कहीं पर वो लग सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जो भी करना है अपने ओन रिसर्च पर कर सकते हैं। टू द कम्युनिटी, द फैक्ट इज द इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ओल्ड एंड इनएफिशिएंट। इट्स टाइम टू चेंज द वे वी थिंक अबाउट द एनर्जी। रोबोटिना आईसीओ स्टार्ट द इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उन्होंने वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए, इसलिए मैंने आपको बताना सोच रहा कि आपको बता दूं। तो जनरली आईसीओ के बारे में पूरा डिटेल था, इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वन बाय वन आप पूरा अपना जाकर देख सकते हो। 32 दिन के बाद इनका आईसीओ स्टार्टअप होने वाला, जहां पर जाकर आप पूरा इंफॉर्मेशन जान सकते हो, इनका बाय करना अगर आप बाय कर सकते हो। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ चुका है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें कि आप क्या सोच रहे हो आईसीओ के बारे में, और प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।